हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। आज हम एमएससी का जो टॉपिक है, एमएससी प्री का, हमारे पास, और वो है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर कौन सा है? अलजेब्रा का पेपर फर्स्ट ये पढ़ेंगे हम, एलजेब्रा का फर्स्ट पेपर, और उसकी यूनिट भी फर्स्ट। एमएससी का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है एलजेब्रा, और इसकी यूनिट कौन सी? यूनिट फर्स्ट, ये पढ़ते हैं। आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में थोड़ी बहुत एलजेब्रा पढ़ी थी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी एलजेब्रा पढ़ी थी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के नाम से एक टॉपिक था जिसका नाम था अमूर्त बीजगणित, वो आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही, उसकी क्लासेस ले रखी हैं, आप लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था। अब देखते हैं जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, जो बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर की जो एलजेब्रा है उसके बाद का जो पोर्शन है या उससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है एमएससी प्री का। तो सबसे पहले आपको बीएससी थर्ड ईयर की एलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम ये वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट फर्स्ट हमारे पास, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ अभी कि आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा और कौन कौन सा लिखना पड़ेगा, और यूनिट आपकी कब से स्टार्ट होगी। आज की क्लास में अपनी यूनिट स्टार्ट नहीं होगी, आज की क्लास में आप लोगों को मैं पूरा पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपको याद होना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, लेकिन आपको ये आता है कि नहीं आता है, वो खुद देख लेना आप। तो यूनिट फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान रहे, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चलेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट क्या होता है। सेट, सेट कोई भी एक स्टूडेंट अपने आप में सोच करके देखे कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि अच्छे से परिभाषित कलेक्शन हमारे पास, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो अब बात आती है कि हम सेट जानते हैं उसके बाद, और सेट को किसे डिनोट करते हैं, मान लो कोई भी सेट है एस, ये हमारे पास एग्जांपल होते हैं, सेट एस है, सेट ए है, सेट नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, कुछ भी हमारे पास ये सेट है, ओके। अब बात ये आती है कि एक तो मैं लूँ सेट और एक लूँ मैं एक ऑपरेशन, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये तो क्या है, ध्यान रहे, ये तो है हमारे पास सेट, और ये क्या है, कोई भी ऑपरेटर है या ऑपरेशन है हमारे पास। जी सेट है, स्टार एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या है, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। तो वैसे स्टार इनमें से कोई एक ऑपरेशन है, इनके अलावा भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो जी स्टार जो एक नई डिजाइन बनेगी, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जो जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड ग्रुप, ये ग्रुप कहलाती है इफ इफ पांच कंडीशन, सॉरी चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली तो क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर ए एलिमेंट आप लोगों ने लिया है और बी एलिमेंट लिया है ग्रुप के अंदर से, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं संक्रिया लगाऊंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा, तो वापस एलिमेंट कहाँ का बनना चाहिए? जी का ही बनना चाहिए। तो कहाँ के एलिमेंट लिए हैं, ए और बी दोनों ही एलिमेंट कहाँ के हैं, जी के हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी का मतलब क्या है, ए और बी जी के कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, हर एक दो एलिमेंट को लेकर के देखना है, उन दोनों के बीच में संक्रिया लगाऊं, ऑपरेशन लगाऊं, तो वापस एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, जी का ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है एसोसिएटिव, ध्यान रहे आप एमएससी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बताऊंगा नहीं इसकी, ठीक है, ये क्लोजर है, ये एसोसिएटिव है, तो आपको इंग्लिश में समझना है। अब हमें चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इसकी वैल्यू, और ए स्टार बी स्टार सी मतलब ब्रैकेट अलग अलग लगाऊं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर आती है किसके लिए, और ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए, ग्रुप के अंदर, सॉरी जी सेट के अंदर से अगर आपको तीन एलिमेंट लेने हैं और तीन एलिमेंट ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोजर पहले वाली प्रॉपर्टी थी।
थर्ड नंबर पे है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस क्या बनेगी? मैं बोलूँगा ए हमारे पास कोई एलिमेंट है जी के अंदर से एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट ए है जी के अंदर से और एक एलिमेंट ई लिया है जी के अंदर से ही, और तब वो ये वाली प्रॉपर्टी रखते हैं क्या ए स्टार ई इजिकल टू ए इजिकल टू ई स्टार ए। इसका मतलब क्या है? जी के हर एक एलिमेंट को अगर मैं ई के साथ ऑपरेट करूं, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिले वापस से ए ही मिल जाए। अब ई को चाहिए भले आप राइट साइड से ऑपरेट करो या लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, आपको इन दोनों का इन दोनों का ऑपरेशन करने पर हमें वापस से क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए, ठीक है। तब हम ई को क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ओके, फोर्थ कंडीशन होती है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है हमारे पास? मैं बोलूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास कोई ऐसा बी एलिमेंट जरूर मिलेगा सच दैट ए स्टार बी इजक्वल टू आइडेंटिटी मिले और बी स्टार ए बी क्या मिले? आइडेंटिटी ही मिले। इसका मतलब क्या है? ए को बी के साथ ऑपरेट करूं आइडेंटिटी मिल जाए, या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट करूं तो भी आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब ए स्टार बी निकालो या बी स्टार ए निकालो, दोनों की वैल्यू अगर आइडेंटिटी आती है ई आती है। आइडेंटिटी कौन सा? ये वाला आइडेंटिटी। ये अगर आता है तो मैं बोलूँगा ए तो बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, तो ए और बी आपस में क्या बनेंगे? एक दूसरे के इनवर्स बनेंगे। देन ए इनवर्स क्या बनता है हमारे पास? बी बनता है। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या बोलूँगा? हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो चुका है, इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो रहा है। और ऐसे ही हमारे पास फाइव प्रॉपर्टी है। फिफ्थ कौन सी है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है हमारे पास? ए और बी दो एलिमेंट लूंगा जी के अंदर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जी के कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं और अगर हमें ऐसा मिले ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर आती है, तो मैं क्या कहता हूँ? ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, मतलब ये कम्यूटेटिव होगा एक तरीके से, ठीक है। हाँ, अब देखना, अगर कोई भी जी स्टार के अंदर से, कोई भी जी स्टार हमारे पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर जी स्टार के लिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं यहाँ तक, तो मैं कहता हूँ कि जी स्टार एक कैसा है? एक ग्रुप है। जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ग्रुप बनेगी। और अगर इन चार प्रॉपर्टी के साथ साथ ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है तो ये जी स्टार क्या बनता है? अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या बनता है? अबेलियन ग्रुप बनता है। ये आपको पता हुआ पहले से ही, ठीक है। तो नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। हाँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ एक अच्छे तरीके से। लिख लेना ग्रुप की डेफिनेशन, लेट जी बी ए नॉन एम्पिटी सेट, लेट जी बी ए नॉन एम्पिटी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन देन जी स्टार देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग एक्जियम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें, जिसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट क्लोजर है, सेकंड एसोसिएटिव है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में रफ कर रहा हूँ। ग्रुप कब बनेगा?
जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी जी स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये चार कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। लिख लेना ये, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग लिख लेना ये, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके नीचे आप लोगों को नोट लगा करके लिखना है। इफ जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है एंड सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ए और बी दो एलिमेंट हैं, कोई भी दो एलिमेंट है जी के, उन दोनों के बीच में अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो ए स्टार बी की वैल्यू एंड बी स्टार ए की वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वाली। देन जी स्टार इज सेड टू बी, जी स्टार इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप की डेफिनेशन, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक पार्ट और आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सब ग्रुप। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, है ना, जो आपको आना चाहिए था पहले से ही वो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी, देन एच कोमा स्टार इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी स्टार इफ एच स्टार इज ग्रुप इटसेल्फ, इफ एच स्टार इज ग्रुप इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जी स्टार कोई ग्रुप है, जी स्टार कोई ग्रुप है और जी का सबसेट ले लिया है आप लोगों ने क्या, एच, जी का सबसेट लिया है एच, तब मैं उस H को उसी स्टार के साथ लिख करके लिखूं, उसी स्टार के साथ में लिखूं H स्टार, तो क्या बनेगा, H को मैं स्टार, इसको मैं क्या बोलूँगा, सब ग्रुप बोलूँगा किसका, G स्टार का। कब, इफ यदि जो H स्टार है ये खुद भी क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, G स्टार हमारे पास कोई भी ग्रुप था, ठीक है। अब अगर मैंने जी तो क्या होता है, सेट होता है, स्टार क्या होता है, ऑपरेशन होता है। अगर जी सेट का मैं कोई सबसेट ले लेता हूँ और जो ऊपर लिखा होता है वही ऑपरेशन इसके साथ में लगा देता हूँ, और अगर ये खुद भी ग्रुप बन जाता है, एच स्टार जो बनेगा वो भी खुद भी ग्रुप बन जाता है, तो मैं बोलूँगा ये ग्रुप तो बन गया लेकिन सब ग्रुप है किसका, जी स्टार का सब ग्रुप है। बात समझ में आ गई है, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जी हमारे पास एक सेट है, एच हमारे पास एक ऑपरेशन है, जी स्टार पहले से पता है कि ग्रुप है, तब मैं बोलूँगा कि एच हमारे पास एक सबसेट है जी का, सबसेट है जी का, ठीक है, कौन, एच। तब मैं बोलूँगा कि एच स्टार को पहले वाले ऑपरेशन के साथ ही, एच को स्टार के साथ ऑपरेट करूँ, तब एच स्टार हमारे पास क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। कब बनेगा सब ग्रुप, जब वो एच स्टार खुद भी क्या बन रहा हो, एक ग्रुप बन रहा हो, ग्रुप इटसेल्फ का मतलब क्या है, खुद भी ग्रुप बन रहा हो, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी आती है हमारे पास, ये तो डेफिनेशन ही हुआ। अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है कि सब ग्रुप कैसे चेक किया जाता है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, कंडीशन फॉर सब ग्रुप, सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो देख लेते हैं। देखना, अगर मैं ये बोलूँ कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी है, मैंने दो एलिमेंट ले लिए एच के अंदर से, एंड
H is subset of G. H is subset of G and G star is group. G star is a group. A और B दो एलिमेंट मैंने लिए हैं H के अंदर से, या फिर ऐसे लिख लो लेट H इज सबसेट ऑफ G एंड G स्टार क्या है हमारे पास ग्रुप है. एंड इफ A कोमा B बिलोंग्स टू H, और अगर A और B को मैं अगर H के अंदर से लेता हूँ एंड A स्टार B इनवर्स अगर वापस से किसके अंदर से मिल जाता है H के अंदर से ही मिल जाता है. ध्यान रहे क्या लिखा है मैंने, A और B दो एलिमेंट लिए हैं H के अंदर से, तब अगर मेरे को A स्टार B इनवर्स वापस से H के अंदर से मिल जाता है तो मैं H को क्या कहूँगा, सब ग्रुप कहूँगा किसका, G का. देन H कोमा स्टार इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G स्टार. देन H स्टार इज सब ग्रुप ऑफ G स्टार. ये हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है. एक तो क्या है, अगर G स्टार आपके पास एक ग्रुप दे रखा है, G एक सेट होता है, स्टार एक ऑपरेशन होता है, अगर आप लोगों ने G का कोई सबसेट ले लिया है H, और H स्टार भी खुद क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तो हम H स्टार को G स्टार का सब ग्रुप कहते हैं. ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही हो गया. कंडीशन हमारे पास ऐसी होती है कि अगर H इज सब ग्रुप ऑफ एच इज सबसेट ऑफ G है, G स्टार खुद क्या एक ग्रुप है, तब मैं दो एलिमेंट लेता हूँ H के अंदर से. कौन कौन से, एक तो A और एक B. A और B दो एलिमेंट लेता हूँ मैं H के अंदर से, तब अगर A स्टार B इनवर्स भी H के अंदर से ही आ जाता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास H स्टार कैसा है, एक सब ग्रुप है किसका, G स्टार का. लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक दो एलिमेंट के लिए नहीं, हर एक एलिमेंट की बात करते हैं. तो मैं बोलूँगा H के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो A और B, और उनका क्या बना दें हम, A स्टार B इनवर्स बनाएं, और वो वैल्यू वापस से एच के अंदर से ही आ जाए, तो मैं कहूँगा एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है. ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. सब ग्रुप के बाद आता है नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देखो नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास थोड़ी मतलब एक तो सब ग्रुप ही होता है, और उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप के अंदर भी कुछ कंडीशंस आती हैं, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. देखते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं. पहली बात तो ये देखो, जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है. एच स्टार क्या है, सब ग्रुप है. एच स्टार क्या है, सब ग्रुप है. तब इस एच स्टार को ही मैं नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलूँगा, जब मैं एक एलिमेंट लेता हूँ क्या एच, एक एच एलिमेंट लेता हूँ कहाँ से, कैपिटल एच के अंदर से. एक एक्स एलिमेंट लेता हूँ कहाँ से, कैपिटल जी के अंदर से. एंड एक्स एच एक्स इनवर्स वापस कहाँ से बन जाए, एच के अंदर से ही बन जाता है. तो मैं क्या कहूँगा, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए, तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप चेक करेंगे. तो जी स्टार क्या है, ग्रुप है. एच स्टार क्या है, सब ग्रुप है. तब मैं एच स्टार को ही नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा कि एच स्टार के अंदर से, एच के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ स्मॉल एच, एक्स के अंदर से सॉरी जी के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ एक्स, एंड एक्स एच एक्स इनवर्स मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट जी का, दूसरा एलिमेंट एच का, और जो तीसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का इनवर्स, जो आप लोगों ने G के अंदर से एलिमेंट लिया था उसी एलिमेंट का इनवर्स लिखना है यहाँ पर. अगर ये X H X इनवर्स को सोल्व करने पर ये एलिमेंट वापस से H का ही एलिमेंट बन जाता है, तो मैं H स्टार को क्या कहता हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप कहता हूँ. बस समझ में आ गई, तो डेफिनेशन लिखो फिर. समझ में आ गया तो बैठे क्यों हूँ. डेफिनेशन लिखते हैं, लेट G स्टार बी ए ग्रुप एंड एच स्टार बी
सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, एच स्टार बी सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, देन देन एच स्टार इज सेड टू बी, देन एच स्टार इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी स्टार इफ क्या एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी, और तब हमें क्या मिले एक्स एच एक्स इनवर्स, वापस से किसका एलिमेंट मिले एच का ही एलिमेंट मिले, उस टाइम पर हम एच स्टार को क्या कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी स्टार कहते हैं। देखना डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जी स्टार एक ग्रुप है, एच स्टार हमारे पास सब ग्रुप है, तब मैं बोलूँगा कि एच स्टार को मैं जी स्टार का क्या कहूँगा नॉर्मल सब ग्रुप कहूँगा। कब कहूँगा, जब एक एलिमेंट मैंने एच के अंदर से लिया, एक एलिमेंट मैंने जी के अंदर से लिया, और पहले जी का एलिमेंट लिखा फिर एच का एलिमेंट लिखा, और फिर तीसरे नंबर पर हमने वापस से ही फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स लिखा। इस टोटल को सॉल्व करने पर हमें वापस से किसका एलिमेंट मिलना चाहिए, कैपिटल एच का ही एलिमेंट मिल जाए, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये एच स्टार क्या कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी स्टार कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की, ये समझ में आ गई होगी शायद। तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे चेक करना होता है हमें, ठीक है ओके। नेक्स्ट है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म देखना क्या होता है, ये सारी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर की अलजेब्रा का। पहले ये चेक करते हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एफ फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट पर जाने वाली एक मैपिंग फंक्शन कहलाती है, जब यहाँ का हर एक एलिमेंट किसी न किसी यूनिक एलिमेंट पर जा रहा हो, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, ये फंक्शन बनता है क्या, ए से बी पर जाने वाले एलिमेंट, फिर ए से बी पर जाने वाली वो मैपिंग जिसके डोमेन का हर एक एलिमेंट की कोडोमेन पर कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होती है, तो इस सेट को तो क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं, और इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज मतलब एफ ऑफ ए जो बनेगा इन एलिमेंट को रखने पर जो इमेज बनती रहेगी इसमें से, उसको क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है पहले ही, अब फंक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखना फंक्शन तो क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है एक सेट से दूसरे सेट पर जाने वाली इमेज, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट पर अगर कोई मैपिंग जाती है उसको फंक्शन कह दिया। ठीक, अब मैं बोलता हूँ कि एक ग्रुप से G1 स्टार ग्रुप से और G2 O ग्रुप पर, O का मतलब क्या है एक ऑपरेशन है, स्टार का मतलब क्या है ऑपरेशन है, G1 एक सेट है, स्टार एक ऑपरेशन है, दोनों मिलकर के चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी ग्रुप वाली, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते ही ये क्या बन जाता है एक ग्रुप बन जाता है। G2 एक सेट है, O एक ऑपरेशन है, तो G2, O अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ग्रुप वाली तो क्या बन जाता है एक ग्रुप बन जाता है। तो मैं बोलूँगा एक तो G1 स्टार ग्रुप है, एक G2 स्टार ग्रुप है, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक तो G स्टार ग्रुप है और दूसरा G-O ग्रुप है, G-O ग्रुप है, ठीक है G-O ग्रुप है। तब मैं बोलूँगा कि एक मैपिंग कैसी मैपिंग, एफ कहाँ से, एक एफ मैपिंग कहाँ से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, ध्यान रहे फंक्शन तो क्या था, फंक्शन एक मैपिंग थी जो एक सेट से दूसरे सेट पर जाती थी, और होमोमॉर्फिज्म क्या होती है एक मैपिंग होती है जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जाती है। फंक्शन तो एक सेट से दूसरे सेट पर जाता है, मैपिंग कहाँ से, सॉरी होमोमॉर्फिज्म कहाँ से जाती है, एक ऐसी मैपिंग जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जाती है वो मैपिंग क्या कहलाती है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन, कि एफ ऑफ ए स्टार बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा एक मैपिंग जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जा रही है तथा एंड ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो वाली मैपिंग क्या कहलाती है होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं इसकी,
डेफिनेशन लिखते हैं, देखना। होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन क्या लिखनी है हमें होमोमॉर्फिज्म की? डेफिनेशन लिखनी है कि एक मैपिंग जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जाती है एंड साथ में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो देखना, लेट जी वन स्टार एंड जी टू ओ बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स एंड एंड एफ फ्रॉम जी स्टार जी वन स्टार टू जी टू ओ बी ए मैपिंग देन एफ इज सेड टू बी देन एफ इज सेड टू बी देन एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ कंडीशन आ गई है एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, किसके लिए? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यहां से अब देखना, हमने क्या लिया? जीवन, जीवन ये जीवन स्टार एक ग्रुप है, जी टू ओ, ओ क्या है? कोई दूसरा ऑपरेशन है ना, स्टार वन और स्टार टू भी दे सकते हैं इसका नाम, लेकिन मैं स्टार और ओ लिख दिया है। ये दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, तब एक मैपिंग कहाँ से? जीवन स्टार से जी टू स्टार पर एक मैपिंग आती है, उस मैपिंग को मैं क्या कहूँगा? होमोमॉर्फिज्म कहूँगा। कब कहूँगा? इफ एफ ऑफ ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी आई, हर एक ए और बी की वैल्यू जो कि जीवन के अंदर से, उसके लिए। अब बताना, ए और बी जीवन के अंदर से क्यों लिया? एफ के अंदर जो लिखा जाता है वो क्या होता है? एक्स होता है एक तरीके से, ये लिमिट। और ये लिमिट आते कहाँ से हैं? डोमेन के अंदर से आते हैं। डोमेन कौन था हमारे पास? देखना, जीवन स्टार था, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट स्टार के अंदर से तो आने से रहे, स्टार तो ऑपरेशन है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे हमारे पास? जीवन के अंदर से आएंगे, जीवन के अंदर से, क्योंकि जीवन हमारे पास क्या है? सेट है, उसके अंदर से आएंगे। तो जीवन स्टार क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। अब देखना मैंने क्या लिखा है, जीवन के दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, दोनों के बीच में स्टार लगाया, मतलब ऑपरेशन लगाई, उसके बाद उनकी इमेज निकाली। ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं मैंने जीवन के अंदर से, उन दोनों एलिमेंट के ऊपर पहले ऑपरेशन लगाया है, उसके बाद इमेज निकाली है। ऑपरेशन लगा करके इमेज निकाली है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी के बराबर। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? इमेज ऑफ ए। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है? इमेज ऑफ बी, इसका मतलब ए की इमेज है, ये बी की इमेज है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया है। तो ये तो क्या है, पहले इमेज निकाल करके फिर ऑपरेशन लगाया है, और यहाँ पर पहले ऑपरेशन लगा करके फिर इमेज निकाली है। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ मैं डोमेन के अंदर से, उन दोनों एलिमेंट के ऊपर पहले ऑपरेशन लगाओ उसके बाद इमेज निकालो, या फिर पहले इमेज निकाल लो उसके बाद ऑपरेशन लगाओ। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती है, पहले ऑपरेशन लगा करके इमेज निकालने की, या फिर हमारे पास पहले इमेज निकाल करके ऑपरेशन निकालने की, ठीक है, पहले ऑपरेशन लगा करके इमेज निकालो, या फिर पहले इमेज निकाल करके ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों की ही वैल्यू अगर इक्वल आती है, इन दोनों की ही वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम क्या कहते हैं? ये एफ क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। एफ क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म होता है। अब देखना, आप बोलोगे यहाँ तो स्टार ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर ओ ऑपरेशन लगाया, ये क्या चक्कर है? मैं बोलूँगा देखना दोस्तों, ए के और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया है, तो ए और बी दोनों ही एलिमेंट कहाँ के हैं? जीवन के हैं, तो जीवन के लिए तो ऑपरेशन स्टार ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, तो एफ ऑफ बी बताओ कहाँ पर मिलेगा? ए कहाँ का है? जीवन का है, तो एफ ऑफ ए कहाँ पर मिलेगा? जी टू का, क्योंकि ए की इमेज हो गई ना एफ ऑफ ए, तो इमेज कहाँ से आती है? जी टू के अंदर से आती है। अब देखना, बी अगर जीवन के अंदर से, तो एफ ऑफ बी कहाँ से आएगा? जी टू के अंदर से। इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कहाँ के एलिमेंट हैं? जी टू के एलिमेंट हैं, और जी टू के एलिमेंट के लिए ऑपरेशन कौन होता है? ओ होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर आप लोगों ने पहले जीवन और जी टू के, सॉरी, पहले जो हमारे पास जीवन के ऑपरेशन हैं